हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कार्तिक आर्यन इन दिनों काफी चर्चाओं में है। वजह ये कि दोस्ताना 2 से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सवाल ये कि करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन तो आउट हो गए हैं, लेकिन अब उनको रिप्लेस कौन करेगा। शुरुआत में ये खबरें आई कि करण जौहर अक्षय कुमार से बाकायदा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो उनकी डूबती नैया को पार लगा दे, दोस्ताना 2 का वो हाथ थाम ले। और खबरें ये भी थी कि अक्षय कुमार भी इस रोल को करने के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ताज़ा अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि ना अक्षय कुमार ना कोई और, बल्कि एक और स्टार हैं जो इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की जगह नजर आ सकते हैं। कौन है वो स्टार, ये आपको हम बता दें। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि राजकुमार राव है। राजकुमार राव की इस फिल्म में एंट्री होने वाली है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कार्तिक आर्यन से पहले राजकुमार राव ही दोस्ताना 2 के लिए पहली पसंद थी। फिल्म के मेकर्स राजकुमार को ही इस फिल्म के लिए अप्रोच कर चुके थे, लेकिन उस वक्त बात नहीं बनी थी और लिहाजा ये जो फिल्म थी ये कार्तिक आर्यन के पाले में आ गिरी थी। लेकिन उसके बाद अब देखना होगा, राजकुमार राव को एक बार फिर से अप्रोच किया गया है। खबरें ये भी हैं कि इस बार राजकुमार राव ने अपने तमाम कमिटमेंट्स को साइड में रख के, या ये कह लीजिए कि उनके बीच में से वक्त निकालकर दोस्ताना 2 के लिए हामी भर दी है। पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मीडिया के गलियारों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो धर्मा प्रोडक्शन दोबारा से राजकुमार राव को ही दोस्ताना 2 के लिए बोर्ड में लेना चाहते हैं। पहले भी वो उन्हीं को लेना चाहते थे और डेट्स की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन इस बार हो सकता है राजकुमार फिल्म में नजर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो। बता दें आपको, खबरें ये थी कि धर्मा प्रोडक्शंस ने हमेशा के लिए कार्तिक आर्यन को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और इसके पीछे की वजह ये बताई गई थी कि क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। कार्तिक आर्यन फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते थे, इसके अलावा वो शूटिंग नहीं कर रहे थे दोस्ताना 2 की, और दोस्ताना 2 यानी कि जो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म थी उसके नाम पर उनको कई सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए थे, उनको वो पूरा कर रहे थे। तो खबरें ये भी आई कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहते थे और चाहते थे कि धर्मा प्रोडक्शन उनको ज़्यादा पे करे। खैर, इन सब के बीच अब एक बात साफ है कि कार्तिक आर्यन फिल्म से बाहर हो गए हैं। धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से ऑफिशियल ऐलान इस चीज़ का कर दिया गया है। और अब राजकुमार राव इस फिल्म में नजर आते हैं या नहीं, कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, देखना दिलचस्प होगा। आप बताइए, राजकुमार राव को इस फिल्म में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं।